हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है, कल अमान ने पढ़ा था हेलमोल्ट्ज़ फंक्शन, जिसको मैंने एक और नाम बताया था वर्क फंक्शन। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके हम ये पता करते हैं कोई भी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो हम इसी प्रोसेस की, यानी कि इसी प्रॉपर्टी की, जो हेलमोल्ट्ज़ फंक्शन जिसका नाम वर्क फंक्शन है, इसका वेरिएशन देखते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम के साथ। क्यों? क्योंकि ये भी टेम्परेचर और वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, और आपका हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है और दूसरा क्या होता है? पाथ फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। इसलिए ये भी स्टेट फंक्शन है और ये भी स्टेट फंक्शन है। इसलिए जब ये वेरी करेंगे तो आपका ये भी हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो हम देख लेते हैं आज वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ वी नो अबाउट द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसका नाम है, या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। वी नो क्या है, हमें क्या जानते हैं, हमने क्या लिखा था ए से, हम इसको डिनोट करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को, किसके इक्वल होता है? ए इक्वल टू यू माइनस में टी एस। अब क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूं, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करो। ए का क्या बन जाएगा? डी ए। U का क्या बन जाएगा? डी यू माइनस में। हमेशा दो जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो एक को कॉन्स्टेंट रखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे। T को कॉन्स्टेंट रखा, S का डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा? DS। फिर हमने S को कॉन्स्टेंट रखा, T का डिफरेंशिएशन किया, तो आपका क्या हो गया? DT। यानी कि आपका क्या बन गया? डिफरेंशिएशन डी ए इक्वल टू डी यू माइनस में TDS माइनस में क्या है? SDT। अब TDS हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। हमने डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी के अकॉर्डिंग देखे, एंट्रोपी की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखे, तो मैंने क्या बताया था, डीएस किसके इक्वल होता है? डी क्यू रिवर्सिबल बटे में क्या होता है? टी। अब क्या है, आप इस टी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? टीडीएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई? डी क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन वन मान के चलता हूं मैं, साथ के साथ इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूं? टू मान लेता हूं। अब हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ का बिल्कुल ही सिंपल है, फर्स्ट लॉ ने यही कहा था, डी यू इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस में डब्लू। माइनस का डब्लू कब होगा? जब वर्क डन बाय द सिस्टम। अब डब्लू किसके इक्वल होता है? पीडीवी के। वो भी किस में लोगे? माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि ये भी किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां पे आप डब्ल्यू की जगह क्या रख सकते हो? पीडीवी। तो क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, आगे क्या हो गया आपका, प्लस में क्या हो गया, सॉरी प्लस में क्या हो गया, सॉरी माइनस का क्या हो गया आपका, डब्ल्यू की जगह क्या रखोगे? पीडीवी। अब पीडीवी को इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आपका क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा या माइनस का? इधर डी यू प्लस में पीडीवी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी क्यू रिवर्सिबल। इसको इक्वेशन मैंने तीन मान लिया। अब डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू तीन से उठा के दो में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू टू रखो, तो आपका क्या आ जाएगा, हमारा टीडीएस जो वो किसके इक्वल आ गया, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस में पीडीवी। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फोर। अब फोर की वैल्यू वापसी इक्वेशन वन पे आओ, जहां पे मैंने रखने के लिए कहा था। अब इस फोर की यानी कि टीडीएस की वैल्यू इस इक्वेशन वन में रख दो, यहां पे टीडीएस की जगह रखो, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस में डी यू माइनस के पीडीवी माइनस के क्या है, एसडीटी। अब डी यू से डी यू क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका क्या बच गया, डी ए इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का पी डी वी माइनस का क्या बच गया, एस डी टी। ये आपका बन गया ये इक्वेशन। अब हम क्या है, ये लेट अस कंसीडर, हम क्या कर लेते हैं, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं, एक बार किसको कांस्टेंट करेंगे, टेम्परेचर को। लेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो आपका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस मान के चलता हूं मैं, तो आपका जो टेम्परेचर का चेंज है वो क्या हो जाता है, जीरो। जिसमें भी चेंज करोगे उसका चेंज जीरो हो जाएगा। अब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा, तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो क्या हो गया, जीरो। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये सारी क्वांटिटी कैसी होगी, जीरो। तो ये आपकी इक्वेशन फाइव मानी, जो है इस फाइव इक्वेशन क्या बन गई, तो डी ए इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का पी डी वी। और इस डी ए के साथ में क्या लगाओगे, टी टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब डी, अब हमने ये रख लिया, इसके बाद हम यहां पे क्या है, क्या मान के चलते हैं इसका, लेट हम मान के चलते हैं ए वन इज द इनिशियल वर्क फंक्शन, हमारा इनिशियल वर्क फंक्शन है, और ए टू आपका जो है वो फाइनल वर्क फंक्शन है। फाइनल वर्क फंक्शन कब, वहन
वॉल्यूम चेंजेस, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम डीवी बचा हुआ, तो आप वॉल्यूम को चेंज करोगे। फाइनाइट चेंज निकालने के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये कंडीशन, A1 इनिशियल वर्क फंक्शन मान लिया, A2 फाइनल वर्क फंक्शन मान लिया, व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, जब वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है V1 टू V2, क्योंकि अब हमारा वॉल्यूम बचा हुआ, सिर्फ डीवी बचा हुआ, इसको इक्वेशन 6 मान लो, आपका डीवी बचा हुआ, तो डीवी को हम क्या करता हूं फाइनाइट चेंज से, यानी कि V1 इनिशियल से V2 फाइनल वॉल्यूम तक इसको चेंज करके इसमें टोटल चेंज देख रहा हूं। तो अब क्या है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6, इंटीग्रेट करो इक्वेशन 6 को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा डीए का, लगाओ ये इंटीग्रेशन कहां से, A2 तक जाएगा, A1 से, यहां पे क्या बच गया नीचे आपका क्या है डीए, इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज है, पी रहा डीवी है, डीवी एज इट इज है, यहाँ इसका भी इंटीग्रेशन कहां से V1 से लेकर V2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, सॉरी इंटीग्रेशन बाद में सोल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका तो मैं चेंज, इसका तो इंटीग्रेशन सोल्व कर लेता, तो A2 माइनस में A1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा A2 माइनस में A1 इक्वल टू। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, पी की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी किसके इक्वल होता है, क्योंकि डीवी है वॉल्यूम है, तो इसके नीचे एक और वॉल्यूम का ही फंक्शन लेके आना पड़ेगा, तो पी किसके इक्वल होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए हमने यही इक्वेशन पढ़ी थी, यहां से आप पी की वैल्यू निकाल लो, पी किसके इक्वल होता है आरटी बाई वी, तो आप इस पी की भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, और इसका हमने निकाल लिया A2 माइनस में A1, ये एज इट इज माइनस साइन, ऊपर A2 है नीचे क्या है A1, पी की जगह मैंने क्या रख दिया आरटी, और आगे क्या है डीवी बाई क्या हो गया वी, आपका ये बन गया। अब मैं क्या करूं, इसका भी इंटीग्रेशन सोल्व करो, इंटीग्रेशन इसका अगर सॉरी A2 से A1 नहीं, ये V2 है, ये भी V2 है, ये V1 से V2 था ना, तो ये V1 से V2, अगर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो R कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, T कॉन्स्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है ln V2 बाई फाइनल वो कंडीशन बटे में इनिशियल कंडीशन, तो क्या आ जाएगा आपका, और A2 माइनस में A1 किसके इक्वल होता है डेल्टा A, तो सोल्व कर लो, यहाँ पे क्या बच गया आपका डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस साइन है ही आर और टी कॉमन है ln V2 / V1 हो गया। अब अगर एन मोल्स के लिए, फॉर एन मोल्स के लिए अगर लेना चाहते हो तो आपकी क्या बन गई, फॉर एन मोल्स तो आपका क्या बन जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस का सिर्फ इसके आगे एन और लगा दो, ln V2 / V1। अब इसको इक्वेशन में क्या मान लेता हूं 8 मान लेता हूं। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी तो वहां पे क्या था, हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, जो आपका डब्ल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, उसका फॉर्मूला ये होता है भाई एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, डब्ल्यू मैक्सिमम का रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लू, 9 से वैल्यू उठा के इसकी किस में रख दू 8, यानी कि इसकी जगह मैं डब्ल्यू मैक्सिमम इस इक्वेशन में रख सकता हूं, तो रखो डेल्टा ए इक्वल टू क्या बच गया माइनस एज इट इज एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन की जगह क्या रख दिया डब्ल्यू मैक्सिमम, तो ये था डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क डन जब आपका क्या हो रहा है एंट्रोपी चेंज का, सॉरी वर्क फंक्शन का चेंज है। अब क्या है, एक और मैं निकालना चाहता था, एक और निकाल सकते हो यहां से, आपने हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी हमारी, हमने एक इक्वेशन हमारी निकाली थी ये वाली इक्वेशन डीए इज इक्वल टू माइनस के पीडीवी माइनस के एसडीटी, यहां पे हमने टेम्परेचर इस फंक्शन को कॉन्स्टेंट रख लिया था, अब की बार इसको एज इट इज रखते हैं, अब की बार किसको वो रख लेते हैं वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट, तो इक्वेशन 5 का यूज करते हो, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करोगे तो डीवी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये सारी क्वांटिटी जीरो, तो आपका क्या बचेगा डीए इक्वल टू माइनस के एसडीटी बच जाएगा, तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन 5 लेट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू जीरो, सो आपका क्या बच गया डीए इज इक्वल टू माइनस का क्या बच गया एस डी टी, इसके नीचे क्या लगाओगे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, अब अगर यहां से डी टी को इधर ले आओगे तो क्या बच गया डीए बाई डी टी और इंटू में भी माइनस का क्या बच गया एस, ये था भाई आपका वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विद द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका गिब्स फ्री एनर्जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है जिसका यूज करके हम ये पता करेंगे कोई भी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, एक तो हमने ले ली है हेलमोल्ट्ज फ्री एनर्जी है जिसका नाम था, जिस प्रॉपर्टी का नाम था हेलमोल्ट्ज फंक्शन, लेस्ट नेक्स्ट आपके पास है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का भी आपके पास क्या है एक प्रॉपर्टी है भाई, इसका भी यूज करके हम ये पता करेंगे कोई भी जो आपका प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब क्या है, इट इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट की जाती है जी, इसको जी से सिंबलाइज किया जाता है बाई वी में राइट फॉर दिस बी में राइट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बी में राइट, क्या लिख सकते हो आप इसके लिए जी जो इक्वल होता है एच माइनस में टी एस के, हमेशा ही जी इक्वल टू एच माइनस में टी एस। अब क्या है, हम क्या है कोई एक सिस्टम मान के चलते हैं, लेट ए सिस्टम, हमने एक सिस्टम मान के चला एट इनिशियल स्टेज, सबसे पहले हमने उसकी इनिशियल स्टेज ली, एट इनिशियल स्टेट इट्स
फ्री एनर्जी जीवन, उसकी फ्री एनर्जी क्या है जीवन, इट्स एंथैल्पी इज एच वन, उसकी जो एंथैल्पी है वो हमने क्या मान ली एच वन, लेकिन टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा और उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या मान ली हमने एस वन मान ली। अब क्या है अगर ये एस वन मानी है तो उसकी फाइनल स्टेट पे जाने के बाद जब उन्हें फाइनल स्टेट पे देखा तो जो उसकी फ्री एनर्जी वो क्या हो गई जी टू हो गई, जो एंथैल्पी है वो क्या हो गई एच टू, टेम्परेचर फिर से कॉन्स्टेंट, जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई एस टू। अब क्या है इसको इक्वेशन वन मान लो, इन कंडीशन फॉर इनिशियल कंडीशन अप्लाई इक्वेशन वन, इनिशियल कंडीशन के लिए इक्वेशन वन अप्लाई करोगे तो जी की जगह क्या रखोगे जी वन, इक्वल टू एच की जगह क्या रखोगे एच वन, माइनस में टी कॉन्स्टेंट एस की जगह क्या रखोगे एस वन। इसी तरीके से फाइनल कंडीशन के लिए क्या है जब मैं इक्वेशन वन के अप्लाई करूंगा तो जी की जगह क्या रखोगे जी टू, इक्वल टू एच की जगह एच टू, माइनस में टी कॉन्स्टेंट है एस की जगह क्या रखोगे एस टू। इसको इक्वेशन थ्री मान लो, इसको इक्वेशन आप क्या मान लेते हो फोर मान लेते हो, तो आप ये वर्डिंग्स में लिखोगे लेट ए सिस्टम हैविंग एट इनिशियल स्टेट गिव्स फॉर एनर्जी जी वन, एंथैल्पी एच वन एंड एंट्रोपी इज एस वन, तो ये आप मान लोगे। उसके बाद हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन तीन को चार में से, सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम फोर, तीन को चार में से घटा दो, घटाओ क्या बचाएगा पहले इक्वल के इधर वाला घटेगा जी टू में से क्या घटेगा जी वन, घटा दिया इक्वल टू, फिर क्या है ये आपका एच टू में से क्या घट जाएगा माइनस का एच वन, दोनों में से क्या कॉमन आ गया माइनस का, और क्या है टी हमने ले ही लिया है, उसके बाद क्या है एस टू आपका है ही, उधर से क्या है ये किसका हो जाएगा माइनस का हो ही जाएगा, क्या बचेगा एस टू माइनस में एस वन, इसमें से ये घटाओगे तो ये बचेगा भाई आपका जी टू माइनस में जी वन, फाइनल माइनस में इनिशियल हमेशा क्या होता है डेल्टा जी, इक्वल टू इसका भी क्या लग जाएगा डेल्टा एच, माइनस में टी है ही इसका भी क्या हो जाएगा डेल्टा एच। तो ये थी आपकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का डेरिवेशन। अब हम क्या है फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी की भी, तो हमने क्या देखा है हमने जनरल सी बात है अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी, एंट्रोपी के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या पढ़ रखा है डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो मैं इसकी भी वैल्यू पुट करूंगा इसकी भी, तो टी डेल्टा एस को इधर ले आओ, इसको इक्वेशन फाइव मान लो भाई। अब क्या है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू रिवर्सिबल, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू तो आ गई क्यू रिवर्सिबल, रख लो इसी को इक्वेशन सिक्स को फाइव में रखो, पुटिंग सिक्स इन फाइव वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच की जगह क्या रख दिया क्यू रिवर्सिबल हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई सेवन। अब डेल्टा एच की वैल्यू और पुट करनी है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे पुट करोगे, डेल्टा एच की वैल्यू बिल्कुल ही सिंपल है एंथैल्पी चेंज के हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या होता है पी डेल्टा वी, यही होती है हमारी ये हमने पढ़ रखी है जब हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ी, तो ये इक्वेशन एट, एट की वैल्यू नाइन में, पुटिंग एट इन सेवन, सॉरी एट इन सेवन, एट इन सेवन, एट को सेवन में रखो तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है इसकी जगह पुट करो क्या आ गया आपका डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी माइनस में क्या आ गया आपका क्यू रिवर्सिबल हो गया। अब डेल्टा यू और इसके रिवर्सिबल को नजदीक रखो एक बार, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा यू माइनस में क्यू रिवर्सिबल और आगे क्या है प्लस के पी डेल्टा वी। अब ये डेल्टा यू माइनस में क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है बिल्कुल ही सिंपल चीज पढ़ रखी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है जो आपका डब्ल्यू मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है वो भी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस में क्यू रिवर्सिबल। आप अपनी फर्स्ट लॉ का यूज करके देख लेना, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस में डब्ल्यू, डब्ल्यू कब जब वर्क डन, लेकिन डब्ल्यू के पीछे क्या लगेगा माइनस साइन वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू मैक्सिमम हो गया। अब क्यू रिवर्सिबल को इधर लेके आओ, देखो ये इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई, इसको इक्वेशन नाइन मानो, इसको इक्वेशन क्या मान लो टेन मान लो, हो गया तो मैं क्या रख सकता हूं इसकी जगह क्या रख सकता हूं माइनस का डब्ल्यू मैक्सिमम, तो रखो पुटिंग टेन इन नाइन, टेन को नाइन में रखो क्या बच गया आपका डेल्टा जी इक्वल टू इसकी जगह क्या रखोगे माइनस के डब्ल्यू मैक्सिमम, आगे क्या प्लस के पी डेल्टा वी हो गया पी डेल्टा वी। अब क्या है ये तो हो गया, अब पी डेल्टा वी भी हमने पढ़ रखा, पी डेल्टा वी क्या है वीनो, इसको इक्वेशन इलेवन मानो पहले वीनो, पी डेल्टा वी किसके इक्वल होता है वर्क डन के इक्वल होता है, तो वर्क डन यानी कि डब्ल्यू किसके इक्वल होता है आपका पी डेल्टा वी, तो ये भी एक वर्क डन है ये भी एक वर्क डन है, तो ये आपका दोनों को मिला के बनता है नेट वर्क डन, तो मैं ये कह सकता हूं इस माइनस साइन को इधर लेके आ सकते हो आप,
तो ये किसका हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ही पी डेल्टा वी वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको हम अब लिख सकते हैं नेट वर्क डन। तो मैं ये कह सकता हूँ गिव्स फॉर एनर्जी चेंज, जैसे जैसे घटता जाएगा आपका नेट वर्क डन, ये भी एक वर्क है, ये भी एक वर्क डन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन गिव्स फॉर एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, यानी कि नेट वर्क डन। नेक्स्ट हमारा है, तो अब हमारा है वेरिएशन ऑफ गिब्स फॉर एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या है, मैंने बताया था गिब्स फॉर एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, उसी तरीके से आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी एक स्टेट फंक्शन है, जब आप इन दोनों को चेंज करोगे तो इसमें क्या चेंज आएगा वो हम देख लेते हैं। तो बाय द डेफिनेशन गिब्स फॉर एनर्जी के हम क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस में टी एस, इसको इक्वेशन वन मान लेता हूं। एच की वैल्यू मैं साथ के साथ पुट कर लेता हूं, एच किसके इक्वल बताया था, एच इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, इसको इक्वेशन टू, टू से वैल्यू किस में पुट कर दू, वन में पुट कर दो, एच की जगह पुट करो, क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू यू प्लस में पीवी माइनस में क्या हो जाएगा, टी एस। अब इक्वेशन थ्री को इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री करो, इसके आगे क्या लग जाएगा, डी डी जी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, du। फिर क्या है, दो फंक्शन जब साथ में, तो एक को कांस्टेंट एक को क्या करोगे, सिंपल सी बात है, p को कांस्टेंट रखा, d को डिफरेंशिएट कर लिया v को, तो dv प्लस में, फिर v को कांस्टेंट किया, p को कर लिया vdp। इसी तरीके से इसमें पहले मैं क्या, t को कांस्टेंट रखा, s को डिफरेंशिएशन, फिर s को कांस्टेंट, d को, हो गया। अब क्या कर देते हैं, यहां से tds की वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी नो हमने टीडीएस जब मैंने पिछला डेरिवेशन करवाया था तो वहां पे निकाला था टीडीएस इज इक्वल टू डीयू प्लस में किसके इक्वल होता है, पीडीवी के, फर्स्ट लॉ और एंट्रोपी की डेफिनेशन का यूज करके। इसको इक्वेशन फोर मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, फाइव, पुटिंग फाइव इन फोर पुट कर दो, पुटिंग फाइव इन फोर करो पुट, क्या हो गया, डीजी इक्वल टू डीयू प्लस में क्या हो गया, पीडीवी प्लस में क्या हो गया, वीडीपी। टीडीएस की जगह ये माइनस का है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस का डीयू माइनस का पीडीवी माइनस का क्या हो गया, एसडीटी। अब जो कट रहा हो कैंसिल कर दो, क्या क्या कट गया, डीयू से डीयू कैंसिल, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, ये दो बच गए, तो आपका डीजी किसके इक्वल आ गया, वीडीपी माइनस में क्या आ गया, एसडीटी। अब फिर से क्या है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के देखूंगा, एक बार टेम्परेचर को, लेट पहले मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपका प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, तो आपका प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका डीटी क्या हो गया, डीटी इज इक्वल टू जीरो, तो ये सारी क्वांटिटी जीरो, तो क्या बच गया, डीजी इक्वल टू क्या बच गया आपका, इसको इक्वेशन सिक्स मानो पहले, डीजी इक्वल टू क्या बच गया, डीजी इक्वल टू वीडीपी। तो अब मैं प्रेशर को वेरिएशन करूंगा, प्रेशर को कब वेरिएट करूंगा, जब मैंने क्या है, फिर से लेट कंसिडरेशन करके चलता हूं, लेट एट इनिशियल स्टेट आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो G1 है, और एंड फाइनल स्टेट पे जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट है, फाइनल स्टेज के ऊपर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, G2। कब, जब हमने क्या है, व्हेन प्रेशर चेंजेस, जब प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया, कहां से कहां तक, फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर अपनी इनिशियल स्टेज को छोड़कर फाइनल पे पहुंच गया, इनिशियल P1 से P2 तक जब पहुंचा तो गिब्स फॉर एनर्जी में चेंज जो हुआ वो क्या हुआ, G1 से G2 तक हुआ है, तो इसलिए ये इक्वेशन 7 मान ली। तो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए मैं इक्वेशन 7 का इंटीग्रेशन कर लूं, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट इक्वेशन 7 क्या बन जाएगा आपके पास, बिल्कुल ही सिंपल, डीजी का इंटीग्रेशन कहां से, G1 से लेकर G2 तक इक्वल टू वीडीपी, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, P2 तक P1 से। अब क्या है, वी नो पीवी इज इक्वल टू आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है एक मोल के लिए, वी किसके इक्वल है, वी इक्वल टू आरटी बाई पी। अब इसकी वैल्यू भी क्या करो, इसमें पुट कर दो, बनाओ इक्वेशन, इसको मैं सोल्व कर लू इंटीग्रेशन को, तो फाइनल कंडीशन माइनस में इनिशियल, G2 माइनस में G1 इक्वल टू, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया, आरटी बाई पी, और ऊपर क्या है, डीपी। फिर से इनिशियल कंडीशन P1, फाइनल क्या है, P2, आर और टी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन फाइनल बटे में इनिशियल कंडीशन, तो क्या हो गया, ये किसका होता है, G2 माइनस में G1 क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या, आर और टी कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो गया, एल एन क्या बच गया आपका, अपर लिमिट माइनस में क्या होता है, एल एन पी टू बाई पी वन हो गया। अब क्या कर सकते हो, एल एन पी टू बाई पी वन तो हमने कर लिया है, अगर हम क्या करें एन मोल्स के लिए देखना चाहते हैं, फॉर एन मोल्स, इसके आगे एन और लग जाएगा, तो डेल्टा जी किसके इक्वल आता है, डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू बाई P1, ठीक है, सॉरी NRT LNP2 by P1। अब क्या है, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो वीनो बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था प्लस वन के अंदर, बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका, बॉयल्स लॉ इक्वल टू क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। अब P1 को इधर ले आओ, V2 को इधर ले आओ, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो क्या बन गया,
पी टू बाई में पी वन इज इक्वल टू बन गया वी वन बाई वी टू। देखो इसको इधर लेके आया पी टू बाई पी वन, इसको इधर लेके आया तो क्या बन गया वी वन बाई वी टू। अब क्या है, पी टू बाई पी वन की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो देखो क्या बन गया, डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू भी आप लिख सकते हो। ये था गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है